हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है एक आर्टिकल, एक ऐसा आर्टिकल जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो उस आर्टिकल को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ले कि आर्टिकल पूछा कितने नंबर का जाता है। तो इस आर्टिकल को करने से आपके पूरे 10 नंबर पक्का हो जाएंगे। जब भी कभी आर्टिकल आता है तो 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। आज का हमारा जो आर्टिकल है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है कि इंडिया में वुमेन की सुरक्षा कितनी है, महिलाओं की सुरक्षा किस कदर है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ट्रिक से कि इस वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पर हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए, इट इज ट्रू, क्या बोला जा रहा है, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट वुमेन कि महिलाएं, इट इज ट्रू दैट वुमेन इन इंडिया आर गिवन अ प्लेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इन इंडियन सोसाइटी। क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहां पर जो वुमेन है, आज ये सच है, इट इज ट्रू, ये सच है कि जो वुमेन है, महिलाएं हैं इन इंडिया, भारत में जो भारतीय महिलाएं हैं, ये सच है कि ये जो भारतीय महिलाएं हैं आर गिवेन अ प्लेस, उनको प्राप्त है एक ऐसा स्थान, कैसा स्थान, ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, उन्हें माँ लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है। ये सच है कि जो भारतीय महिलाएं हैं उन्हें माँ लक्ष्मी के स्थान पर माना जाता है, माँ लक्ष्मी के समान माना जाता है। कहाँ पे, हमारी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें भारतीय महिलाओं को माँ लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। आगे क्या कहा जा रहा है, हाउएवर वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन इंडिया, वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर, हम ये नकार नहीं सकते, हालांकि हम भारतीय महिलाओं को एक स्थिति में हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट इग्नोर द निगेटिव एस्पेक्ट, हालांकि हम एक ऐसी नकारात्मक, हम ऐसी नकारात्मक सोच के चलते भारतीय महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, विराजमान है इन द वेदास, इन द वेदास, वेदों में भी कहा गया है वुमेन आर ग्लोरीफाइड एस मदर, वेदों में भी कहा गया है कि वुमेन्स, जो भारतीय महिलाएं हैं वो ग्लोरीफाइड एस मदर, कि उन्हें माँ के समान माना गया है। वेद भी कहते हैं कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो माँ के समान हैं, उन्हें माँ के का दर्जा प्राप्त है। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ लाइफ, और यही जो भारतीय महिलाएं हैं इन्हें माँ के समान माना गया है, और यही क्या करती हैं, जीवन का, नित नए जीवन का संचालन करती हैं, यही जीवन को उत्पन्न करने वाली हैं। बट टुडे, लेकिन आज क्या है, बट टुडे एवरी डे एवरी मिनट सम वुमेन आर गेटिंग हैरस्ड मोलेस्टेड एंड वायलेटेड एट वेरियस प्लेसेस, लेकिन हो क्या रहा है, चूँकि भारतीय महिलाओं को माँ लक्ष्मी के रूप में माना गया है और वेद भी यही कहते हैं कि भारतीय महिलाएं ही जीवन की दात्री हैं, वही जीवन का निर्माण करती हैं, लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आजकल हर दिन हर मिनट, आजकल हर दिन हर मिनट जगह जगह पे, कहाँ कहाँ पे, जगह जगह, वेरियस प्लेसेस, जगह जगह पे कुछ ना कुछ महिलाओं को उत्पीड़न क्या किया जा रहा है, हैरेस्ट मोलेस्ट टेड एंड वायलेटेड, हर जगह, आजकल हर जगह, हर दिन, हर मिनट, जगह जगह पर कुछ ना कुछ महिलाएं उत्पीड़न, छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं। आजकल पूरे देश में क्या हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न, छेड़छाड़ का शिकार देखने को मिल रहा है हर मिनट, ठीक है, कई सारे प्लेसों में, ऑल ओवर कंट्री, ठीक है, हमारे पूरे देश में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं जहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ का शिकार बन रही हैं स्ट्रीट्स, और कहां कहां पे ये देखने को मिल रहा है, स्ट्रीट्स, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ETC हैव बीन द टेरिटरी ऑफ वुमेन हंटर्स, कहां कहां पे देखने को मिल रहा है,
स्ट्रीट्स यानी सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस यानी पब्लिक्स यानी सार्वजनिक स्थान पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक जो गाड़ियां हैं, परिवहन है उन पर, ठीक है, सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थानों पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक वाले जो वाहन हैं उन पे, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, इनमें ETC हैव बीन द टेरिटरी ऑफ वुमेन हंटर। इन सभी जगहों पे भारतीय महिलाएं शिकार हो रही हैं, शिकारियों की शिकार हो रही, वुमेन हंटर, शिकारियों के हत्थे चढ़ रही हैं। और कैसे लिख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, वी कैन नॉट से दैट वुमेन्स आर सेफ इन इंडिया। हम यह नहीं कह सकते हैं, वी कैन नॉट से, हम यह नहीं कह सकते हैं दैट वुमेन आर सेफ इन इंडिया, कि जो भारतीय महिलाएं हैं इंडिया में क्या हैं, सुरक्षित हैं। हम यह आमतौर पर नहीं कह सकते हैं कि ये जो भारतीय महिलाएं हैं इस इंडिया में सुरक्षित हैं। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बाई सींग द लास्ट फ्यू ईयर्स क्राइम अगेंस्ट, जो पिछले कुछ वर्षों की जो रिपोर्ट है, क्राइम जो देखने को हमें मिले हैं पिछले कुछ वर्षों में, विगत कुछ वर्षों में हमें जो क्राइम देखने को मिले हैं, ये महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ काफ़ी सारी जगहों में जो देखने को मिले हैं भारत में, हर जगह पे, उस पर हम कह सकते हैं कि भारतीय महिलाएं इंडिया में पूर्णतया सुरक्षित नहीं हैं। वुमेन जनरली फील frightened while going alone outside to home। जो भारतीय महिलाएं हैं, जनरली भारतीय महिलाएं हर समय अकेले, जब भारतीय महिलाएं आमतौर पर, जनरली यानी आमतौर पर, जब भारतीय महिलाएं आमतौर पर घर से बाहर निकलती हैं तो उनके अंदर डर भरा रहता है हर समय, अकेले जाते समय, आउटसाइड टू होम, बाहर जाते समय उन्हें एक डर का अंदेशा लगा रहता है। जनरली वुमेन, जनरली यानी आमतौर पे जो महिलाएं जब घर से निकलती हैं बाहर जाने के लिए तो उनके मन में एक डर सा लगा रहता है जो कि नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी सैड, यह बहुत ही दुखद है दैट वुमेन सिटीजन्स आर लिविंग द फियर ऑल टाइम, कि जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय जो महिला नागरिक हैं हर समय इस कानून वो डरती रहती हैं, और उन्हें, वुमेन सिटीजन्स आर लिविंग टू फियर ऑल टाइम, वो हर समय डरती रहती हैं और उन्हें ये जो कानून और व्यवस्था उस पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। यह बहुत ही, हम बहुत ही दुख के साथ कह रहे हैं कि जो भारतीय महिलाएँ हैं उनको आज के कानून और कानून की व्यवस्था पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। आगे हमें कैसे लिखना है, अ ह्यूज परसेंट ऑफ वुमेन, या एक क्या है, एक दायरा है, अ ह्यूज परसेंट ऑफ वुमेन हैव नो फेथ इन इंडियन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, उनको भारतीय कानून व्यवस्था पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन सेफ्टी सो दे कैन आल्सो ग्रो इक्वली लाइक मेन इन आवर कंट्री, ठीक है, तो इसके लिए इन्हें करना क्या चाहिए, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड, यह समझने की आवश्यकता है, जो कानून व्यवस्था को स्थापित करते हैं उनको यह समझने की आवश्यकता है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन सेफ्टी, कि जो महिला की सुरक्षा है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको क्या है, जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक, सो दे कैन आल्सो, तभी हमारे जो भारत की महिलाएं हैं, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, आर इक्वली ग्रो इक्वली लाइक मेन इन अवर कंट्री, तभी क्या होगा, जिस प्रकार जो मेन्स लोग हैं, आदमी लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो हमारे भारत देश में ग्रो कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तभी हमारी भारतीय महिलाएं भी, जब उनकी इस सेफ्टी को लेके, सुरक्षा को लेके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तभी वो इस भारत देश में पूर्णतया सुरक्षित होंगी और विकास की ओर अग्रसर होंगी। तो ये था आर्टिकल ऑफ वुमेन सेफ्टी, ये क्या था, वुमेन सेफ्टी पर आर्टिकल, देख सकते हैं आप, ये था वुमेन सेफ्टी पर लेकर आर्टिकल। तो आई होप आपको आर्टिकल लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।